भारत और चीन ने एक दूसरे के विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग बढ़ाने के मकसद से एक नए प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तावेज 2006 में संपर्क बढ़ाने को लेकर हुए इसी तरह के एक प्रोटोकॉल का उन्नत संस्करण है। अपने बीजिंग दौरे के तहत सलमान खुर्शीद का चीन के नए प्रधानमंत्री ले केकियांग से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। हाल ही में चीनी घुसपैठ के मामला हल होने के बाद हो रही इस यात्रा में सीमा विवाद का मुद्दा भी उठ सकता है। कर्नाटक में सीएम पद की रेस में विपक्ष के नेता रहे सिद्धरमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच कांटे की टक्कर। आज दोपहर इस मामले में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर देश की ताजा राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की। इससे पहले एजी वाहनवती ने पीएम से मिलकर कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। सीवीसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन की सीबीआई की जांच में केंद्र के हस्तक्षेप के बारे में सीबीआई से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। सीवीसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई जांच में हस्तक्षेप संबंधी खबरों पर संज्ञान लिया है। कैबिनेट ने 2013 को जल संरक्षण वर्ष घोषित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। सरकार ने संसद अयोग्यता रोकथाम कानून 1959 में संशोधन करने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला किया गया। रेल मंत्री पवन बंसल कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने बाद में कहा कि मंत्रिमंडल में उनके मंत्रालय का कोई विषय एजेंडे में नहीं था, इसलिए वे इसमें शामिल नहीं हुए। दिल्ली की एक अदालत ने विनय सिंगला, विजय सिंगला सहित 5 अभियुक्तों को 20 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच घूसखोरी आरोप के मामले में रेल मंत्री का कार्यालय भी सीबीआई की जांच के दायरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से चिटफंड घोटाले की जांच कराने की मांग को लेकर वाम मोर्चे के नेताओं ने सीताराम येचुरी की अगुवाई में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात कर उन्हें अलग अलग ज्ञापन सौंपा। शारदा समूह के अध्यक्ष सुदीप्त सेन और निदेशक देवजानी मुखर्जी को कल अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत ने एक नए मामले में दोनों अभियुक्तों को फिर से 9 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 29 साल पुराने एक मामले में कल अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी ठहराए गए 5 में से 3 मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इससे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में चल रही जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने सीबीआई से अपनी जांच 4 महीने में पूरी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट आज संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका पर विचार करेगा। 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोटों के दौरान शस्त्र कानून के तहत 5 साल की कैद की सजा के फैसले पर पुनर्विचार के लिए ये याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केयर्न इंडिया के शेयर वेदांता को बेचे जाने की वैधता को चुनौती देने वाली और इसकी सीबीआई जांच कराने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस करार में कोई गड़बड़ी नहीं है। दवाई नीतियों के विरोध में आज देश भर के सभी दवा दुकानदारों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। दवा व्यापारियों ने सरकार से अपनी मांगों को मानने का आग्रह किया ताकि उनके मुनाफे पर अधिक असर ना पड़े। पाकिस्तान में चुनाव से एक दिन पहले पंजाब में कल अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी का अपहरण कर लिया। बंदूकधारियों ने उनके पीए की भी गोली मारकर हत्या कर दी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा है कि अगले साल वो नेटो सैनिकों की वापसी के बावजूद अमेरिका के 9 आर्मी बेस को बने रहने दे सकते हैं, लेकिन इसके बदले में अमेरिका को सुरक्षा और आर्थिक मदद की गारंटी देनी होगी। बांग्लादेश के एक विशेष पंचायत ने कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के दिग्गज नेता मोहम्मद कमरुज्जमा को नरसंहार के लिए मौत की सजा सुनाई है, जो उसने साल 1971 में पाकिस्तान के साथ मुक्ति युद्ध के दौरान किए थे। आईपीएल में कल राजस्थान रॉयल्स ने मेजबान किंग्स 11 पंजाब को 8 विकेट से हरा दिया। सलामी बल्लेबाज शॉन मार्श ने 64 गेंदों पर 77 रन कर शतकीय पारी खेली। कप्तान गिलक्रिस्ट ने 32 गेंदों पर 42 रन बनाए। और कल के दूसरे मैच में आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पुणे वॉरियर्स को 46 रन से हराकर एलिमिनेशन राउंड में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। इस जीत से कोलकाता के अब 13 मैचों में 10 अंक हो गए हैं।